नगर में आए दिन हत्या और अपराध की नई सूरत देखने को मिल ही जाती है। अपराध की ऐसी ही भयानक सूरत जनपद हमीरपुर से सामने आई, जहां हमीरपुर के एक क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक घर में 63 वर्षीय महिला की छत विच्छत हालत में लाश देखने को मिली, जिसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने आनन फानन में इसकी सूचना थाने में दी। माँ की बुरी तरह से हत्या कर दी, उसके हाथ पैर हाथ काट दिए, फिर घाटी भी काट दी, उसके पैर भी काट दिए, कान कान भी काट दिए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घटनास्थल का नजारा देखा तो वो भी शव का बुरा हाल देख दंग रह गई। 63 वर्षीय वृद्ध महिला के हाथ और पैर के पंजे, उंगली, कान और गर्दन कटी हुई थी। इतना ही नहीं, देखने से तो ये प्रतीत हो रहा था कि धारदार हथियार से महिला को मौत के घाट उतारा गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस संबंध में आला अधिकारियों द्वारा घटना की जांच कराने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम भी घटना का मुआयना करके जांच पड़ताल में जुट गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि परिजनों ने कुछ लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई है, जिस पर पुलिस ने कुछ लोगों को चिन्हित कर हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही घटना का अनावरण करके अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। मझगवां के कोठा गाँव में आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि 63 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस टीम द्वारा पहुंचकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मृत्यु का सही कारण जानने के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी धारदार हथियार से हमला करके हत्या किया गया है। परिवारजनों ने कुछ लोगों पर शक जताया है, जिसके आधार पर 4-5 लोगों को पूछताछ हेतु थाने पर लाया गया है। साथ ही मौके पर हमारी फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध।